ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट टाइम हमने सल्फ्यूरिक एसिड के डीहाइड्रेशन के रिएक्शंस पढ़े थे जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है किसी कंपाउंड के अंदर से वाटर को एलिमिनेट करवा देता ठीक है इसमें हमने नॉर्मली हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की, की थी कि इनके अंदर से वाटर रिमूव होता है इनके अंदर हमने ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मिक एसिड कुछ अल्कोहल्स और फिर हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की थी कि इनसे वाटर एलिमिनेट कैसे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और कुछ मिस रिएक्शन हैं दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर विच इज़ ग्रुप नंबर फाइव एंड ग्रुप सिक्स ए एलिमेंट्स टू स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सी के सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिव वन और दो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव टू हो जाएगा सल्फर को आप चार्ज को एक्स एक्सअपोज कर लो चार ऑक्सीजन का चार्ज हो गया माइनस एट एंड ओवरऑल चार्ज सिंस इट इज जीरो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो इट बिकम्स एट माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स सो सल्फर इज पॉजिटिव सिक्स चार्ज ही सल्फर डाइऑक्साइड जो मैं काफी देर से पहले भी बात करता आ रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हियर यहाँ पे आप सपोज करो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दो ऑक्सीजन को माइनस फोर लो ओवरऑल चार्ज जीरो है सो एक्स बिकम्स इक्वल्स टू प्लस फोर नाओ अगर सल्फ्यूरिक एसिड किसी रिएक्शन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा हो तो उस रिएक्शन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स से प्लस फोर के अंदर आ रही होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट के कम होने का मतलब यह है कि बेसिकली दिस इज रिडक्शन सल्फर रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम प्लस सिक्स टू प्लस फोर एंड दिस विल बी हैपनिंग बाय द एडिशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन से उसका चार्ज दो कम हो जाएगा सो प्लस सिक्स से प्लस फोर पर चार्ज आ जाएगा दिस इज योर स्टैंडर्ड रिएक्शन जब भी कोई सल्फ्यूरिक एसिड जब खुद रिड्यूस हो रहा होता है तो इस तरीके से हो रहा होता है ठीक है एजेंट लाइक कार्बन और कार्बन का आप रिएक्शन करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो लेट्स वट होगा ये कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाता है तो इसकी ये टेंडेंसी होती है कि दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करता सो सल्फ्योरिक एसिड विल ट्राई टू ऑक्सीडाइज कार्बन एंड द प्रोडक्ट विल बी कार्बन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ठीक है आपको मैं ये इस तरीके से भी समझा देता हूँ देखो कार्बन के ऊपर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव चार्ज ऑफ जीरो बिकॉज ये अटोमिक फॉर्म में कार्बन है एंड ऑन द राइट हैंड साइड कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बन पे चार्ज प्लस फोर हो चुका है सो कार्बन हैज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड एंड सल्फर इट सेल्फ चूंकि रिड्यूस हो जाता है ये हमेशा एसओ टू बनाता है और साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाता है एसओ टू एंड एच टू ओ ये हमेशा दो प्रोडक्ट्स बनेंगे जब भी आप ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड का सो सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करना हो तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कोई और एजेंट ऐड करते हो नॉर्मली हम पोटेशियम पर मैंगनेट जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट टू सी आर टू ओ सेवन ये दो एलमली कंपाउंड यूज होते हैं अगर आपने एज अ स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना बट सिर्फ अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हो तो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये खुद रिड्यूस हो जाता है इंटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर और जो भी चीज आप लोगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी ठीक है लेट्स टेक अनादर एग्जाम्पल इफ आई टेक सल्फर एंड एड इंटू सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगी ठीक है एंड सल्फर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है और दो प्रोडक्ट्स लाजमी और भी बनते हैं एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक वाटर सो ओवरऑल दो दफा सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं लिखूंगा इससे कि ये एक ही चीज है ओवरऑल योर प्रोडक्ट शुड बी सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक है बैलेंसिंग अब आप कर सकते हो इसके अलावा लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि जब भी मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको करवा रहा हूं तो ये तीन चार ही चीजें हैं जिन हम इनकी कर रहे होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये जब ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडेशन का एक मतलब तो ये होता है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो भी सीन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन ठीक है इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीडेशन सो नाउ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर आप कह रहे हो कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा सल्फर के अंदर यानी इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड साथ दो प्रोडक्ट्स लाजमी कौन से बनते हैं एक एस और एक एच ठीक है रेस्ट यू कैन डू द बैलेंसिंग यहाँ पे

सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एच पी आर एंड एच आई अगर आप इनको लेके चलो एच पी आर जो है इफ आई एड सल्फर एसिड इन टू एट क्या बनना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एच पी आर को एच पी आर के ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ये एच खत्म हो जाएगा सो so, ये बेसिकली ब्रोमीन जो है बी आर टू में चेंज हो यहाँ पे ब्रोमाइड था ब्रोमाइड पे चार्ज माइनस वन होता है यहाँ पे बी आर टू मोलिकुलर फॉर्म में इस पर चार्ज जीरो होता है सो यू कैन सी कि चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज के बढ़ने को भी कॉल ऑक्सीडेशन ठीक है और रिमूवल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन से बेसिकली चार्ज इंक्रीज कर जाता है चार्ज इंक्रीज सो ये जो यहाँ पर मैंने चार पॉइंट्स लिखे हैं ये चार पॉइंट्स हैं कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली कहलाती है क्या चीज़ है सो so, ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में चेंज हो गया यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और ये जब भी रिड्यूस होता है कौन सी दो चीजें बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेरी वेरी इजी रिएक्शंस अगर आप इनको समझ के पढ़ो कि बस आपने एक पॉइंट या, की पॉइंट याद रखना है कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस होता है इट मेक्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट मेक्स वाटर और जो भी चीज होगी उसकी आपने ऑक्सीडेशन किस तरीके से करनी है उसके लिए आपको ये वाले चार रूल्स का आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन इट किसी भी एलिमेंट की होती किस तरीके से नाउ लेट्स टेक सम अदर रिएक्शंस एक तो ये है ना कि आप सल्फ्यूरिक एसिड लो और कोई एल कोई एलिमेंट या कंपाउंड लो फॉर एग्जांपल ए और रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा हो कि ये जो चीज़ है ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे आ जाए और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये रिड्यूस होके सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाए एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड लो और इसके साथ कोई और एलिमेंट डाल दो जो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर एग्जाम्पल के एम एन ओ फोर जो मैंने थोड़ी देर ऊपर बात की थी अब इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है ना जब तो इसके ज्यादा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस नहीं होता देखो सल्फ्यूरिक एसिड के रिड्यूस सिर्फ एक कंडीशन में होगा इफ सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसेस other उंड स्लैश एलिमेंट मस्ट ऑक्सीडाइज एग्रीड यह तो बहुत सी बात है कि अगर सल्फ्योरिक एसिड खुद रिड्यूस हो रहा है तो जिस चीज के साथ आपने को ऐड करवाया है वो उस चीज को फिर ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा क्योंकि ये आप रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो चीजें और दोनों की दोनों ऑक्सीडाइज या दोनों की दोनों रिड्यूस हो रही हैं यहां पे ऊपर भी आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट या कंपाउंड ए था ये ऑक्सीडाइज हुआ था और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हुआ था अब प्रॉब्लम ये है कि के एम एन ओ फोर के अंदर K के के ऊपर चार्ज होता है प्लस वन ऑल राइट एम एन का चार्ज आप निकाल सकते हो यहाँ से प्लस एक्स कर लो और चार ऑक्सीजन्स का जो कि माइनस um, क्या होता है चार ऑक्सीजन्स का माइनस एट इक्वल्स टू जीरो सो so, यहां से इफ यू इक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स यू गेट प्लस सेवन ऑल राइट सो एम गोइंग टू राइट प्लस सेवन ही इन तीनों में कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो थिंक अबाउट यानी सल्फ्यूरिक एसिड को अगर ऑक्सीडाइज करना होता भी तो नॉर्मली ये मैंगनीज को ऑक्सीडाइज करता ठीक है जब किसी कंपाउंड के अंदर कोई एक मेटल होता है नॉर्मली वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है मैंगनीज जो है इसकी ऑलरेडी जो एटॉमिक स्टेट जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सेवन है प्लस सेवन से ऊपर इसने कितना जाना है प्लस सेवन से ऊपर तो कोई होती ही नहीं है मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट यू ऑलरेडी लर्न दिस अब होता है यह है कि बजाय इसके कि सल्फ्यूरिक एसिड के एम एन ओ फोर को ऑक्सीडाइज करे एस टू एस ओ फोर बजाय इसके एम एन ओ फोर को ऑक्सीडाइज करे एम क्या करता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग देखो इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा अब इससे पीछे पीछे मैं आपको जो रिएक्शंस पढ़ाए उनमें ये होता था फोर जो होता था ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था और दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखती थी अब इसमें मसला ये है यह फोर इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या करेगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज होने पे मजबूर कर देगा ठीक है और के एम जो है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग रिड्यूस के फिर क्या बनाएगा नाउ मैंगनीज के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट uh, थी मैंने आपको बताया था अभी प्लस सेवन है अब के एम लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर आपके पास जो कंपाउंड बनते हैं ना उनमें एक मैंगनीज का करेस्पॉन्डिंगली सल्फेट बन जाता है मैंगनीज सल्फेट ठीक है इसी तरह एक पोटेशियम का करस्पॉन्डिंगली सल्फेट बन जाता एक पोटेशियम का सल्फेट और एक मैंगनीज का सल्फेट चूंकि ये दोनों मेटल्स हैं पोटेशियम सल्फेट इज के टू एस ओ फोर नाउ सल्फेट पे इफ यू सी द चार्ज ऑफ मैंगनीज इट इज प्लस टू सो इट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिएक्शन कि मैंगनीज जो है वो सात से दो पे आ रहा है पांच इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने के बाद तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है एंड दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन सॉरी दिस इज रिडक्शन अभी ऊपर मैंने आपको बताया था यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन यहां पे हम नीचे भी जो देख रहे हैं दिस इज नॉट रिमूवल दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज रिडक्शन और आप चार्ज से भी बात कर सकते हो कि चार्ज कम हो रहा है चार्ज रिड्यूस हो रहा है सो दिस इज रिडक्शन नाउ सिंस एम के अंदर मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है सो द अदर एंटिटी इज सल्फ्यूरिक एसिड इट मस्ट ऑक्सीडाइज अब सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकते हैं आपके ख्याल में वट इज द पॉसिबिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज पहले आपने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिड्यूस हो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सल्फ्यूरिक एसिड में प्लस सिक्स सल्फर प्लस सिक्स से बड़ी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता है कौन कौन सी हैं प्लस टू है प्लस फोर है प्लस सिक्स है ठीक है यही है ना इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप मुझे बताओ इसकी ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या मजीद बढ़ सकती है ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब है यू कैन नॉट ऑक्सीडाइज सल्फर वी कैन नॉट ऑक्सीडाइज सल्फर फिर और कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या चार्ज है एच में प्लस वन अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन का क्या क्या चार्ज हो सकता है वैसे हाइड्रोजन का चार्ज एक तो जीरो हो सकता है एक माइनस वन हो सकता है और एक प्लस वन हो सकता है ठीक है जीरो होता है तो ये जब मॉलिक्यूलर स्टेट में एच टू वगैरह जब तो होता है अब आप मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा एच प्लस वन यानी हाइड्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो सकती है वो उसमें ऑलरेडी प्लस वन है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ठीक है वी कैन नॉट रिजल्ट अब यह निकला वी कैन नॉट इवन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन अब जना पीछे बचा क्या आपके पास आपके पास अब एक ही चीज बची है विच इज ऑक्सीजन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड नाउ लेट इज सी वट इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन द सल्फ्यूरिक एसिड यू नो ऑक्सीजन के जो चार्ज है इट इज डेफिनेटली माइनस टू अब कैन यू ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन ऑक्सीजन का चार्ज एक तो माइनस टू हो सकता है

ठीक है, इन नेसेंट फॉर्म आपके पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है यहां पे साथ में भी, आपने इस को और करना है, इस आप वाटर भी चूंकि बैलेंस करते हो दिस इज योर फाइनल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद के एम एन ओ फोर यू गेट मैंगनीस सल्फेट पोटेशियम सल्फेट वाटर एंड साथ में नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है यह वजह है कि जब भी आप कोई रिएक्शन करवा रहे होते हो मसलन आपने H2S लिया और H2S के अंदर अगर मैं के एम और H2SO4 का कॉम्बिनेशन डाल दूं तो ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन और वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी वो एस H2 के साथ मिलके H2O बना देगी ठीक है और सल्फर साथ से रिमूव हो जाएगा टेक्निकली इस रिएक्शन में पता क्या हुआ सल्फर के ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज था Two, क्योंकि हाइड्रोजन पे टू था इसे माइनस टू होना चाहिए सल्फर पे और यहां पे देखो क्या चार्ज है जीरो ऑक्सीडेशन है। कहते हैं और ये ऑक्सीडेशन क्यों हुई है क्योंकि यहां पे आपने एक अदद नेसेंट ऑक्सीजन लगाया हुआ था सो so, ऑक्सीडेशन को आप इस तरह भी सोच सकते हो कि एच टू एस में से चूंकि एच टू निकल गया हाइड्रोजन रिमूव हो गया हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं ठीक है थीके? तो हर हर किसी का अंडरस्टैंडिंग का अपना मेथड होता है बट ये सारी बातें ट्रू होती हैं ये जरूरी नहीं है कि अगर अब देखो एस माइनस टू के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, दो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन दूसरा तरीका आप ये समझ लो कि आपने एच टू एस में से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन ऑक्सीडेशन और तीसरा आप ये समझ लो कि आपका चार्ज इंक्रीज कर रहा है चार्ज इंक्रीज करना इज अगेन ऑक्सीडेशन ठीक है सो हर हर किसी का अपना बेहतर समझने का तरीका होता है बट यू मस्ट बी नोइंग ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स ऑक्सीडेशन इनफैक्ट हो कैसे होती है सो यू टू टू एलिमेंट्स टूगेदर इन सम रिएक्शन तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कोई किसी भी किस्म की आपने चीज ली हुई है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगी क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल राइट लेट्स टेक अनदर केस इफ यू टेक फेरस सल्फेट एफ ई एस ओ फोर फेरे सल्फेट का फॉर्मूला एफ ई एस ओ फोर ही होता हैल्फेट इज माइनस टू जस्ट टू क्लियर दिस ओके अब फेरस सल्फेट के अंदर आप यही करो कि आप एच टू एस ओ फोर डाल दो और के एम एन ओ फोर डाल दो नाउ लेट सी वट है क्या चाहिए ओके यू टेल मी वट शुड हैपन

यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और आयरन की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं प्लस टू एंड प्लस थ्री आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है ठीक है सो लेट्स ऑक्सीडाइज आयरन दिस इज वॉट विल हैपन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और आयरन फेरस से फेरिक में चेंज हो जाएगा ठीक है सो फेरस विल चेंज इन टू फेरिक वंस फेरिस सल्फेट रियक्ट विद ऑक्सीजन राइट साइड पे आपका सल्फेट तो होगा लेकिन वो फेरिस होगा इस्ता वो इसल्फेट होगा थ्री आई कैन रिमूव दिन सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फेरिक सल्फेट बिकॉज नाव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू कंपाउंड ऑक्सीजन

कॉन्टैक्ट चैम्बर में और उसके बाद था एब्जॉर्प्शन चैम्बर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होता है इन सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस और आपने देखा था उसके बाद ओलियम H2S2O7 प्रोड्यूस हो गया था ठीक है इन लिक्विड फॉर्म सो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन एंड यू मस्ट बी नोइंग इट इसे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं एक और ये होता है इफ यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी इफ यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर अमोनिया एन एच थ्री तो क्या होगा आपको पता है वैसे एन एच थ्री जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसका स्ट्रक्चर ये होता है नाइट्रोजन के साइडों पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं और चूंकि नाइट्रोजन का टॉमिक नंबर सेवन है इसके लास्ट शैल में पांच पहले शेल में दो होते हैं लास्ट शेल में पांच होते हैं उन लास्ट शेल के पांच में से तीन ने तो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं यहां पे एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के ऊपर ऑलराइट right. अगर ये अमोनिया होता है अब अमोनिया के अंदर में अगर H कर H कर जो होता है है ये ये किस चीज का कहलाता यानी एक ऐसा हाइड्रोजन का एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिया हुआ है किसी को अब अगर ये इस के साथ आके मैं यहां पे H प्लस लगा दूं तो क्या होगा कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में दरमियान में शेयर हो जाएंगे ठीक है एंड यहां से ये प्लस चार्ज आप इसका रिमूव कर दोगे यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा लेकिन अब चूंकि नाइट्रोजन ने अपना एक बॉन्ड अपना एक इलेक्ट्रॉन एक तरह से डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को इस पूरे के ऊपर ओवरऑल एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये प्लस वन चार्ज एक्चुअली नाइट्रोजन के ऊपर है ठीक है लेकिन हम जब इस पूरे के ऊपर बनाते हैं तो यूं करके प्लस ये जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है दिस इज कॉल्ड अमोनियम ऑल राइट दिस इज अमोनियम जो पहले मैंने बनाया था दैट वॉज अमोनियम अब आपको पता है एसिड के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि एसिड हमेशा H+ प्लस डोनेट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये H+ प्लस अपने डोनेट कर देगा ठीक है तो इट विल एक्चुअली चेंज इन टू एस ओ फोर माइनस टू प्लस टू एच प्लस अब ये जो दो एच प्लस हैं ये दो अमोनिया के मॉलिक्यूल अमोनियम के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके दो अमोनियम बना देंगे दो अमोनिया के साथ मिलके दो अमोनियम बना देंगे जिनके ऊपर प्लस वन चार्ज होगा क्योंकि सिंगल अमोनियम हैज प्लस चार्ज एक ammonia, एक अमोनिया एच प्लस के साथ मिलके एक एन एच फोर प्लस वन बनाता है और दो अमोनिया दो एच प्लस के साथ मिलके दो ये बन दो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड में से निकलते ही दो प्रोटॉन्स हैं और साथ में आपके पास एस ओ फोर माइनस टू इसके साथ अगर रिएक्ट करवाओ आप तो सिंपली क्या होगा वो ऊपर वाला टू इधर नीचे ले आओ ठीक है या इन अदर वर्ड्स ये चूंकि दो हैं तो ये टू उधर नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपली आपके पास ये चीज बन जाएगी एन एच फोर होल्ड ट्वाइस एसओ फोर दिस इज योर प्रोडक्ट एंड दिस इज बेसिकली वॉट दिस इज अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट सो ये दिस इज अगेन मिसलिनियस रिएक्शन एक तो आपको पता होना चाहिए कि विद सल्फर ड्राई गैस क्या होता है और विद अमोनिया गैस क्या होता है

एंड अगर इसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो तो लेट मी अभी तक मैंने वैसे जिक्र नहीं किया था आपको क्या ये पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड हैज बेसिकली टू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन अ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सो इट इज काइंड ऑफ सल्फर जिसके ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं दो और दो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं ठीक है एंड जब हम कहते हैं ना कि फोर अलग हो गया तो वो एक्चुअली इस तरीके से अलग होता है ये यूं होता है और साथ में यहां पर एक एच यहां से अलग होता है एक एच यहां से अलग होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली इस तरीके से डिसोसिएट होता है थोड़ा साइड पे बना देता हूं रिमूव कर देते हैं

सिक्स सिक्स कार्बन अटैच इन एंड सिक्स हाइड्रोजन रिवॉल्विंग अराउंड नॉट एग्जैक्टली रिवॉल्विंग फॉर दर आई प्रैप्टर में जाके डिटेल में समझो फॉर इफ बज एडेड इन टू दिस वैपन यहां से एक ओ OH एच जो है दिस ओ एच दिस गेट्स सेपरेटेड और यहां से एक एच जो है दिस गेट्स सेपरेटेड और एच ओ रो एच मिल क्या बनाते हैं शाबाश एच टू ओ तो आपके प्रोडक्ट्स में एक तो चीज़ बन जाती है एच टू ओ और क्या बनता है और तो मुझे बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है और तो सारा खुद ही आपके सामने है यहां से एक आम इसकी टूटी हुई है यहां से भी एक बॉन्ड इसका टूटा हुआ है तो ये वाली पूरी चीज़ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी सिंपली यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पूरी चीज़ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी तो दिस इज योर प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं इस प्रोडक्ट को में एक तो अगर आप गौर करो एक तो ये चीज़ है पूरी जो कि बेंजीन से निकली है बेंजीन से जब आप निकाल देते हो ना साथ से पीछे से तो जो आपके पास पीछे रिमेनिंग जो एलिमेंट होता है इसको हम फेनाइल बोलते हैं अगेन ये आप चैप्टर नंबर नाइन के अंदर वैसे पढ़ लोगे बट चूंकि ये रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे हो तो लेट आई हैव टू टेल यू इट्स नो मोर हैच फाइव ऑल राइट और बेंजीन रिंग के ऊपर आप अगर गौर करो यहाँ पे क्या लगा हुआ है SO3H, थ्री एच या इन अदर वर्ड एस ओ टू ओ एच ठीक है इसको यूं भी लिखा जाता है क्योंकि एक ही है क्योंकि हम इसलिए ये एक So2 है, और साथ एक ओ OH एच भी उसके साथ लगा हुआ है सो दिस इज योर ओवरऑल फॉर्मूला एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड यू विल स्टडी दिस इन चैप्टर नंबर नाइन इन द टॉपिक ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेनजीन इसको इस प्रोसेस को कहते हैं सल्फोनेशन यानी आपने बेजीन के अंदर जब सल्फरिक एसिड एड किया तो आपने सल्फोनेशन कर दी उसकी और आपके पास जो प्रोडक्ट बना वी कॉल इट बेनजीन सल्फोनिक एसिड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर फोर विच इज ग्रुप फाइव ए एंड ग्रुप सिक्स ए एलिमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर फाइव विल बी टॉकिंग अबाउट halogens which is group number 7 and noble gases which is group number 8 of the product table.